हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं सौम्या जी आपके लिए बना रही हूँ। आपने पूछा है कि अनिकेत से आपने कहा है कि अनिकेत से आप ट्रू लव करती हैं और अनिकेत नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आपके मैसेज का आंसर भी नहीं देता है, तो क्या है मतलब उसके दिल में, क्या आप यही जानना चाहती हैं या आप चाहती हैं कि वो आपसे मिले? तो चलिए, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। हो सकता है आपके लाइफ के साथ ये रेजोनेट करे और आपके समस्याओं का समाधान यूनिवर्स दे। तो चलिए, सबसे मैं कार्ड निकालूंगी पहले आपके लिए। टू ऑफ कप की एनर्जी है। आपने कहा कि आप ट्रू लव करती हैं, तो यूनिवर्स ने आपके लिए ट्रू लव टू ऑफ कप का कार्ड दिया है। वाकई आप ट्रू लव करती हैं। अब एक कार्ड मैं निकालूंगी अनिकेत के लिए कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके दिल में तो है, पता लग गया, टू ऑफ कप की एनर्जी है, आप उनसे ट्रू लव करते हो। अब अनिकेत के दिल में क्या है, क्यों वो आपके मैसेज का आंसर नहीं देते हैं, क्यों वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है यूनिवर्स, आप बताइए। सौम्या जी के सवालों का आंसर दीजिए अनिकेत। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, निगेटिव कार्ड है ये। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ। जो आपकी क्वेश्चन है कार्ड, उसी से कनेक्टेड आ रहा है। मैं कार्ड सामने सफल कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ। आप जब देखोगे, आप तक ये वीडियो जब पहुंचेगा, तो आप देखना कि क्या है आपके लिए निकल कर यूनिवर्स का मैसेज। एक कार्ड ये खुद से ऊपर आ रहा है। अरे, इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ, ये आपकी मैं फीलिंग निकाल रही थी कि क्या भी आपकी फीलिंग है। तो आप बहुत कंफ्यूज हो, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैं सफल कर रही थी, ये कार्ड खुद से बाहर आ गया और आपकी सिचुएशन भी ऐसे ही, पहले टू ऑफ कप की एनर्जी आई, फिर सिक्स ऑफ कप की एनर्जी आई यूनिवर्स। अब अनिकेत की फीलिंग बताइए कि क्या उनके मन में फीलिंग सौम्या के लिए है। अनिकेत के मन में फीलिंग क्या सौम्या के लिए? अब आप देख सकते हो कि ये भी कप की एनर्जी इमोशन और प्यार को बताता है। थ्री कप लॉस है, उसकी फिकर में बैठे हैं। यूनिवर्स एक कप उनको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, बट वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये फीलिंग मतलब आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। इस कार्ड का मीनिंग यही निकल कर आया है कि आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। जो सिचुएशन है वैसा कार्ड भी निकल कर आया है यूनिवर्स। अब आप बताइए कि क्या इन लोगों का मिलन होगा, ये लोग क्या आपस में अनिकेत उनके उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके मैसेज का वो आंसर देंगे, क्या होगा इनका फ्यूचर, क्या मैसेज? यूनिवर्स ने जजमेंट का कार्ड दिया है। सौम्या जी, ये कार्ड आपके लिए, आपकी तरफ, मैं लेफ्ट साइड में आपकी कार्ड रख रही हूँ, राइट में आपके पार्टनर की। तो यूनिवर्स ने कहा है कि एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं, जजमेंट होगा, फैसला होगा, और जजमेंट का कार्ड मेजर अरकाना का है और आपने जैसा किया है वैसा आपके पक्ष में फैसला होगा, यूनिवर्स का मैसेज है। चलिए, पांच कार्ड तो हो गए, अब मैं इन पांचों कार्ड को अब क्लियर करूंगी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड मैं बीच में रख दे रही हूँ, बहुत अच्छा कार्ड
आया है जजमेंट का। यूनिवर्स, अब फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है कि यूनिवर्स ने कहा है कि बहुत जल्द कुछ सामने आपको पता लगेगा, न्यूज, गुड न्यूज। स्वॉर्ड्स की एनर्जी फास्ट काम करती है और ये बेस्ट कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है यूनिवर्स। आप फोर ऑफ कप की एनर्जी को क्लियर कीजिए। ये रीडिंग में क्यों आया? डेथ, डेथ का मतलब मरना नहीं, डेथ का मतलब है पुराने जीवन को खत्म करने के बाद नए जीवन की शुरुआत, न्यू बिगनिंग। यूनिवर्स, अब आप टू ऑफ कप की एनर्जी को, कार्ड को क्लियर कीजिए कि टू ऑफ कप का कार्ड क्यों आया? क्वीन ऑफ कप, टू ऑफ कप की कार्ड को, ये भी कप का ही है आपकी तरफ सौम्या जी, केवल कप का कार्ड आ रहा है, इमोशन और प्यार को दिखाता है। तो यूनिवर्स ने कहा है कि आप बहुत मायूस उदास बैठे हो, देख रहे हो ना इस कार्ड को। यूनिवर्स, सिक्स ऑफ कप का कार्ड क्यों आया रीडिंग में? सिक्स ऑफ कप का कार्ड रीडिंग में क्यों आया? किंग ऑफ कप, यूनिवर्स ने कहा है कि जो आप कंफ्यूज हो तो सिर्फ उसमें से एक कप आप चुन लो। यूनिवर्स, जजमेंट, जजमेंट क्या फैसला होने वाला है? आठ नौ कार्ड हो गया। यूनिवर्स, जजमेंट सौम्या के लिए क्या होने वाला? यूनिवर्स ने कहा है जजमेंट होगा। नौ कार्ड तो हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपकी तरफ बहुत स्लो मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे। जजमेंट की कार्ड को स्लो मूवमेंट है, पेंटिकल्स वक्त लेता है, एक साल का ये वक्त लेता है, तो जजमेंट होगा। और यूनिवर्स ने कहा है कि आपने अनिकेत के बारे में पूछा है तो एक साल का वक्त लगेगा, वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन पेंटिकल्स वक्त लेता है और उनकी मूवमेंट आपकी तरफ होगी, यूनिवर्स ने कहा है। तो कितना हो गया अब? 10 कार्ड तो हमारे हो गए। और आपको मैं दिखाऊं कि बॉटम में फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि कुछ पकड़ना, कोई बात, कोई फीलिंग, कोई इमोशन, किसी चीज को पकड़कर बैठना, ये कार्ड यही बताता है। तो कोई बात होगी जिसको पकड़ कर बैठे हैं वो इंसान, आपका पार्टनर अनिकेत। आपकी स्थिति ऐसी है, आप नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में हो, बहुत परेशान हो। आपने कहा भी है कि आप, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपके लिए कार्ड भी वैसा निकल कर आया, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, रातों की नींद उड़ी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड पेंटिकल्स का आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक साल का वक्त लगेगा, जजमेंट होगा आपके पक्ष में, आप वेट करो, इंतजार करो। और यूनिवर्स ने चाहा तो आपके पक्ष में फैसला होगा, अगर आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में लौट कर आना, उनका मैसेज आना, आपसे मिलना, अगर सही होगा तो वो आएंगे,
और नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जजमेंट होगा आपके पक्ष में, तो जैसा सही होगा वैसा। ये देखो, ये एट ऑफ कप की एनर्जी है, कप की एनर्जी इमोशन प्यार भावना यही दिखाती है। तो ये लौटना मतलब अब आगे मूव करना, लौटना मतलब या हो सकता है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये कार्ड ये शो करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बताता है ये कार्ड को मैं पहले यहां रख दूं। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट की कार्ड को नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया, और जो था बॉटम में मैंने वो दिखाया, उधर से तीन कार्ड मैंने निकाला था। तो आप देख सकते हो इस कार्ड को, तो आप एक साल रुक जाइए और जजमेंट होगा, एक साल का वक्त लगेगा। तो अगर आपने लिखा कि मैं ट्रू लव करती हूँ, तो आपके लिए यूनिवर्स ने टू ऑफ कप का कार्ड दिया, तो वाकई आप करते हो, ट्रू लव है आपका, ये इस कार्ड ने क्लियर कर दिया इस चीज को। कंफ्यूज भी हो आप, हो सिक्स ऑफ कप के कार्ड ने क्लियर किया, आप काफी कंफ्यूज हो गए हो। सिक्स सारे कप में अच्छी चीज है, लेकिन क्या करें, क्या लें, क्या छोड़ें, ये सारे आप बहुत मायूस बैठे हो। किंग ऑफ कप, एक कप चुन लो उसमें से, सिक्स कप में से, जजमेंट भी होगा, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप कंफ्यूज हो क्या करना है, परेशान हो, और ये आपकी तरफ का कार्ड है। बाकी जजमेंट होगा वो मैं दिखा ही चुकी हूँ, एक साल का वक्त लगेगा, अगर आप वेट करोगे तो एक साल वेट करो। और कार्ड बहुत निगेटिव तो मैं नहीं कह सकती, डेथ, न्यू बिगनिंग, ये न्यू नए जीवन की शुरुआत, तो उनकी तरफ से तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने, लेकिन ये न्यू बिगनिंग दिखाता है, द डेथ का कार्ड, द पुराना लाइफ खत्म कर हो सकता है आपकी तरफ वो बढ़े आगे, क्योंकि अगर नो कांटेक्ट में है तो नए जीवन की शुरुआत करे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये भी न्यू बिगनिंग बताता है, ये भी न्यू बिगनिंग, या तो वो अपने लाइफ में कुछ नया शुरू करने वाले हैं, नए जीवन की शुरुआत, पुराना आपके साथ खत्म कर। अभी भी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बात है जो वो पकड़ कर बैठे हैं। और ये इंसान जो आप कहते हो कि वो आपको कुछ नहीं समझता है, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बताता है कि ये इंसान अपना नेम फेम, देख रहे हैं ना, दो पेंटिकल्स, दो इधर भी पैरों के नीचे, हाथ में पकड़कर, सर के ऊपर, मतलब सिर्फ ये अपने बारे में सोचता है, अपना नेम फेम, दोस्ती भी करेगा तो पैसे वालों से, मतलब ये कार्ड जो आप क्वेश्चन लिखे हो कि वो मुझे कुछ नहीं समझता, तो वाकई कुछ नहीं समझता है, पकड़ के रखना, अपना ही सब कुछ चलाना, ये दोस्ती भी करेगा तो पैसे वालों से, अपना नाम शोहरत सब चाहता है ये इंसान। तो आप क्या चाहते हो कि एक ऐसे इंसान के का आप वेट करो जो आपको वैल्यू नहीं देता है, और आप उससे ट्रू लव करते हो, वो तो नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। ये देख लो, ये उनकी तरफ का, आपके पार्टनर के तरफ का कार्ड है। और एक बार फिर आप अपना भी डिटेल देख लो, ये आपका कार्ड है, आपकी तरफ का कार्ड है, तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आपकी तरफ कोई आगे बढ़ेगा, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप वो इंसान जो अभी आपको कुछ नहीं समझता है, तो क्या बाद में वो आपको वैल्यू करेगा। यूनिवर्स ने
जजमेंट भी होगा आपके पक्ष में। देखिए, एक साल के अंदर आप मतलब आप भी नए जीवन की शुरुआत करोगे और ये जजमेंट होगा। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर के रीडिंग में भी मेजर अरकाना का डेथ का कार्ड आया है। ये दो कार्ड को पहले मैं ले लूं हाथ में, फिर मैं आपको समझाऊं। इस पूरी रीडिंग में इतने सारे कार्ड में करीब मेरे लगता है कि मैं कितने सारे कार्ड निकाल चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्ड मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, 12 13 13 कार्ड बॉटम में। 8 ऑफ कप की एनर्जी आप देख सकते हो, 13 कार्ड मैं निकाल चुकी हूँ। और अब आप देखो, आपकी तरफ जजमेंट आया था और मेजर अरकाना का कार्ड, और आपके पार्टनर की तरफ डेथ का कार्ड आया था। तो ये दोनों मेजर अरकाना का कार्ड है। जब एक बार सारे कार्ड के बीच में 10 कार्ड हो, 9 कार्ड हो, जितने भी कार्ड हो, अगर माइनर अरकाना का है उसमें एक कार्ड भी मेजर अरकाना का आ गया, तो माइनर अरकाना का कार्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू मेजर अरकाना का कार्ड का होता है। तो आपकी तरफ जजमेंट होगा, आप यूनिवर्स जजमेंट जरूर करेंगे, और एक साल का वक्त लग जाएगा आपको आपके मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता लग जाएगा। एक साल में आपका वक्त बहुत चेंज हो जाएगा। और आपके पार्टनर का है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, दोनों कार्ड मेजर अरकाना का, वो पुराने जीवन को खत्म करके डेथ का कार्ड है, नए जीवन की शुरुआत, न्यू बिगनिंग। तो वो नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैं तो आपको अपनी तरफ से अगर देना है कोई सजेशन तो यही दूंगी कि एक ऐसे इंसान को जो अभी आपको कुछ नहीं समझता है, तो क्या आप वैसे इंसान के साथ आप अपने लाइफ को जीना चाहेंगी? क्या वो बाद में आपको वैल्यू देगा? बाद में तो आप निकल भी नहीं सकते हो वहां से। अभी तो आपके पास, आप देखो इस कार्ड को, 6 ऑफ कप के कार्ड को देखो कि कंफ्यूज है कि इसमें से कौन सा कप ले। तो क्या आप ऐसे इंसान को चुनोगे जो अभी आपको वैल्यू नहीं देता है? तो क्या वो बाद में देगा? बाद में अगर नहीं देगा तो आप वहां से निकल भी नहीं सकते हो। अभी तो आपके पास ऑप्शन है कोई एक कप को चुनने का। आपकी करेंट एनर्जी यही है, 2 ऑफ कप की। आप कोई इसमें से एक कप चुन लो, ये भी कप का ही है, इमोशन प्यार। और आप एक कप चुन लो, एक साल के अंदर आपकी लाइफ में जरूर कोई आएगा, आपकी तरफ आएगा। और आप, मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ सजेशन कि यूनिवर्स भी जजमेंट करेंगे, आपको भी खुद समझ में आ जाएगा कि बस आप की तरफ कोई बढ़ेगा आगे, आप उसको चुन लो। ये ऐसे पार्टनर को चुनने से ज्यादा बेहतर है जो आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, सम्मान नहीं करता है, वैसे के साथ जीवन बिताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग निकाली है। और आपने देखा होगा कि जैसा आपका क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही रीडिंग निकल कर आई है। टैरो कार्ड की रीडिंग 100% सही होती है। केवल सामने वाले के एनर्जी टच करनी चाहिए, निकालने वाले की एनर्जी। और जब हम बहुत प्योर हार्ट से किसी चीज को रीड करते हैं, निकालते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो रीडिंग भी सही आती है। मैंने आपकी रीडिंग काफी अच्छी तरह किया है। हो सकता है कि इस वीडियो के द्वारा काफी लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आपकी वीडियो शॉर्ट में नहीं बनाई, डिटेल में बनाई, ताकि बहुत लड़कियां जो एक तरफा प्यार के चक्कर में पड़ी हुई हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं एक ऐसे पार्टनर के लिए जो कभी याद भी नहीं करता है, ना कॉल करता है, ना मैसेज करता है, तो फिर वो सबकी आंखें खुल जाए। और मैं तो आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप एक ऐसे आदमी के साथ आप अपने पूरे जीवन को बिताइए। और आपकी तरफ एक साल के अंदर
आपकी लाइफ में कोई ज़रूर आएगा और आपकी जीवन खुशियों से भर जाएगी। तो आपका जो ये ट्रू लव है, तो चलो है, चलो प्यार एक तरफा भी सही है, लेकिन उस इंसान को अगर है होता आपसे प्यार, तो क्या वो आपके मैसेज का आंसर नहीं देता? आप खुद से सोचो। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये जजमेंट का कार्ड दिया है। अब आप खुद सोचो कि एक ऐसे इंसान जो आपको भूलकर नए जीवन की शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, तो यूनिवर्स भी कहते हैं कि जजमेंट होगा, फैसला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बार आए हैं तो भी आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है ये भी बताइए। आप देख सकते हैं दोनों कार्ड में कि एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं दोनों। तो सौम्या जी, आपको जो ट्रू लव है, ट्रू लव करने वाला आपको एक साल के अंदर ज़रूर मिलेगा। और मैं तो कहूँगी कि ऐसे पार्टनर को आप भूल जाइए, टाटा बाय बाय कीजिए, टाटा बाय बाय कीजिए ऐसे पार्टनर को। और ये जो ट्रू लव है, वो करने वाला, आपसे प्यार करने वाला आपकी तरफ एक साल के अंदर ज़रूर आएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग निकलवानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कीजिए और मैं बताऊंगी आपको कि मेरा चार्ज क्या है। मैं आवर के हिसाब से लेती हूँ। एक घंटा के अंदर आप आराम से 6-8-10 क्वेश्चन आराम से हो जाता है कवर, तो उस हिसाब से मैं चार्ज करती हूँ। और पर्सनल रीडिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है और स्पेशली वो आपके लिए ही बनता है, आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट होती है। तो अगर आप भी कोई बहुत मुश्किल में पड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।